दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म से गहरा नाता है। यह भगवान शिव को प्यारा है और लोग इसे भगवान मानकर नाग पंचमी पर इसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा सांपों से जुड़े कई ऐसे रहस्यमय मिथ भी हैं जो हमें रोमांचित करते हैं, जैसे कि क्या मणिधारी सांप होते हैं या नहीं, या फिर क्या इच्छाधारी नाग होते हैं या नहीं। ऐसे ही सांपों से जुड़ी एक और बात है जो सदियों से हमारे लिए चर्चा का विषय रही है, वो ये कि क्या उड़ने वाले सांप होते हैं या नहीं, और अगर होते भी हैं तो वे बिना पंखों के कैसे उड़ते हैं। लंबे समय से ही ऐसे सांपों को देखे जाने के बारे में कहा जाता रहा है, लेकिन इनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया था। लेकिन जब वैज्ञानिक घने जंगलों में पहुंचे तो उन्होंने ये पाया कि उड़ने वाले सांप महज एक कल्पना नहीं, बल्कि इस धरती पर उनका अस्तित्व जरूर है। वैज्ञानिकों ने प्रमाण के तौर पर उनकी फोटो खींच ली और वीडियो भी बनाई। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसे सांपों का अस्तित्व तो है, पर पूरे दुनिया में ये केवल दक्षिण एशिया के घने जंगलों में ही पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम ये सांप क्रिसोपेलिया प्रजाति से संबंधित है। हालांकि इस सांप की मात्र 5 प्रजातियों में ही उड़ने की काबिलियत होती है। ये सांप 3 से 4 फीट लंबे होते हैं और ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं। इस तरह से ये 350 फीट की दूरी तक जा पाते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक उनकी इस क्रिया को उड़ना ना मानकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना मानते हैं, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे छलांग मानना गलत है, क्योंकि 350 फीट बहुत ज्यादा दूरी होती है। बंदर, जो कि छलांग लगाने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं, वो भी कुछ फीट तक ही छलांग लगा पाते हैं। बहरहाल, हम उसे उड़ान माने या छलांग, पर वैज्ञानिकों को ये बात सबसे ज्यादा परेशान और हैरान कर रही थी कि पंखों जैसी कोई संरचना ना होने के बावजूद सांप इस क्रिया को कैसे पूरा कर पाते हैं। इस बात पर लंबे समय से रिसर्च चल रहे थे, पर वैज्ञानिक किसी भी सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। पर हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण रिसर्च का खुलासा द जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में हुआ, जिससे इस रहस्य से पर्दा उठ पाया। वैज्ञानिक तो पहले ये जानते थे कि जो सांप उड़ना जानते हैं वे उड़ने के लिए अपने आकार को बदल पाने में माहिर होते हैं, लेकिन वो ये कैसे करते हैं इस पर पहली बार विस्तार में रिसर्च हुई है। इस रिसर्च के विशेषज्ञ प्रोफेसर जैक ने इन उड़ने वाले सांपों के बारे में ये बताया कि ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते समय अपने सिर से पूंछ तक और अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं। इस आकार में ये अपनी पसलियों को सिर की दिशा में आगे की ओर और रेड़ की दिशा में ऊपर की ओर घुमा पाते हैं। ऐसे में इसकी चौड़ाई दोगुनी हो जाती है और क्रॉस सेक्शन पर ये एक विशेष आकार पा लेते हैं, जिस कारण ही इनका उड़ना संभव हो पाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस खोज का उपयोग एक ऐसा रोबोट या मशीन बनाने में किया जा सकता है जो उड़ सकती हो। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।